हम जानते हैं राहुल गांधी जिस तरह के आरोप तराशी के काम करते रहे हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है जो मेरे विचार से 13-14 से ही बज रहा है। 3 मोदी के मित्र और 5 मोदी के मित्र और वही सरकार चला रहे हैं, उन्हीं के इशारों पर पॉलिसीज बन रही हैं, सारा देश वही चल, तमाम तरह की बातें वो कहते रहे हैं। और अडानी से भी पूछा गया इस ये इंटरव्यू में, एक हिस्सा पूरा उस पर फोकस किया गया। उन्होंने जो जवाब दिया है, उन्होंने कहा है कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब मेरा सफर शुरू हुआ, उन्होंने एक्जिम पॉलिसी को बढ़ावा दिया तो मेरा एक्सपोर्ट हाउस शुरू हुआ, अगर वो ना होते तो मेरी शुरुआत ऐसी ना होती। क्या कहेंगे राहुल गांधी इस पर? क्या अपने पिता को भी अब ब्लेम गेम में फंसाएंगे कि उन्होंने अडानी को खड़ा कर दिया, उन्होंने अडानी की मदद कर दी? दूसरा देखिए, जी जी एक और पॉइंट ले लेते हैं, एक साथ ही जवाब दे दीजिएगा। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, जाहिर है उनके वित्त मंत्री थे, इन्होंने जब आर्थिक सुधार शुरू किए तो मेरे साथ बहुत लोगों को इसका फायदा हुआ। तो क्या ये अब अपने पिता को और पीवी नरसिम्हा राव को, मनमोहन सिंह को, सबको ब्लेम करेंगे कि इनकी वजह से अडानी ग्रुप जो है वो यहां तक पहुंच गया? या इसका एक पॉजिटिव रुख भी होता है, रूप भी होता है कि हिंदुस्तान का कोई अगर उद्योगपति इतनी तरक्की कर रहा है कि वो विश्व के गिने चुने उद्योगपतियों में शुमार हो रहा है तो ये भारत के लिए गर्व की बात है, या ऐसे लोगों को आप हतोत्साहित करेंगे? हालांकि आपके कोसने से कुछ होगा नहीं, लेकिन इससे मेंटेलिटी तो जाहिर होती है। जी सर, बहुत अच्छा सवाल है। अब राहुल गांधी साहब क्या कहना चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर वो इस देश के भावी नेता बनना चाहते हैं, लेट्स एज्यूम कि वो चाहते हैं कि जनता उन पे भरोसा करे, उनको जिताए, उनको प्राइम मिनिस्टर बनाए, तो उनका विजन भारत के लिए क्या है? क्या वो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी, हिंदुस्तान की कोई भी संस्था ग्लोबल ना बने? क्या चाहते हैं वो? वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ एमएसएमई का देश बना रहे, जो सिर्फ दाल रोटी और आटा प्याज बेचता रहे, हमें आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं राहुल गांधी साहब? और जहां तक बात है पॉलिसीज की, तो राजीव गांधी साहब ने जो पॉलिसीज लाए, कंप्यूटराइजेशन लाए, उसके बाद हिंदुस्तान में आईटी इंडस्ट्री आई, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज अगर हिंदुस्तान में आईटी सुपर पावर बना है, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी बनी है, आज आईटी बेस पे पूरा रिलायंस में भी जियो पूरा आईटी बेस सिस्टम है, बैकबोन है आईटी की। इसी तरह से अडानी की जितनी कंपनियां हैं सब में आईटी का बहुत एक्सटेंसिव यूज है। तो आप अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान की ये सब बड़ी कंपनियां क्यों बड़ी बनी, इनके पीछे जिम्मेवार कौन है, तो सर मेरे को तो सबसे पहले दोष राजीव गांधी को देना चाहिए था कि आप आईटी लाते ही नहीं, कंप्यूटराइजेशन लाते ही नहीं, तो इस देश की तरक्की नहीं होती, ना अडानी बनता, ना अंबानी बनता, ना हम आईटी बनाते, ना कोई बड़ा बिजनेस हाउस खड़ा होता। क्या हम इस मानसिकता से काम करना चाह रहे हैं? राहुल गांधी साहब क्या चाहते हैं? एक कम से कम अपना एक विजन डॉक्यूमेंट तो दिखाएं। मोदी साहब को क्रिटिसाइज करना और गाली देने के अलावा कम से कम आपको, हमको, इस देश की 140 करोड़ जनता को अपना विजन तो बताएं कि उनके दिमाग में देश के लिए क्या है। हर चीज उनको खराब लगती है, तो अल्टरनेट तो बताइए ना सर कि आप कैसा देश चाहते हो, जहां पे सारे देश के अंदर सिर्फ पशुपालक हो, किसान हो, और सड़क पे दुकानों में सब्जी आलू बिकता रहे, बस ये हिंदुस्तान का भविष्य देखना चाहते हैं? डेवलपमेंट नहीं चाहते? क्या है इनके डेवलपमेंट का मॉडल, ये क्यों नहीं बताते? सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कोई भी उद्योगपति एक दिन में नहीं बनता है। राजीव गांधी के टाइम पे जिन्होंने उद्योग शुरू किए, वक्त के साथ उन्होंने गलतियां करी, आगे बढ़े, सीखा, आगे बढ़े।
नई अपॉर्चुनिटीज आती गई, देश की जरूरतें बदलती गई, हम लोग बदलते गए। एक समय बैंक था जब आप लाइन में लग के काम कराते थे, आज आपको बैंक जाना ही नहीं पड़ता। अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरी बैंक ब्रांच किधर है, मुझे नहीं पता, हमारी वाइफ हैंडल करती है, मैं तो शायद 10 साल में 2 बार बैंक नहीं गया हूं। कहने का मतलब ये है कि आप आज जब टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान की कंपनियां विदेश में छा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस के पास है, आज दुनिया में सबसे बड़ा, अगर मैं ये कहूं कि पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन एनर्जी का सोर्स, अगर हम ये देखते हैं कि हमारी कंपनियां आगे जा रही हैं, तो इसमें दर्द क्यों होता है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि देखिए इस कंपनी ने बैंक का पैसा नहीं दिया और भाग गए। मैं बता सकता हूं कि आज अगर अडानी साहब बैंक का पैसा नहीं दे रहे और बैंक उनके पीछे दरवाजों पे खड़े हैं कि हमारा पैसा दे दो और वो नहीं दे रहे, तब तो देखो आपको शिकायत करना वाजिब बनता है। लेकिन अगर बैंक पैसा दे रहे हैं, पैसे का सही उपयोग हो रहा है, आज तक कोई डिफॉल्ट नहीं है, बैंकों को बकायदा पैसा मिल रहा है टाइम पे विद ब्याज, आज कुछ नहीं तो ऑन एन एवरेज जहां तक मुझे समझ है बैंकों को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अडानी साहब देते होंगे, जिसको बैंक का प्रॉफिट बोल सकते हो आप। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके बैंकिंग सिस्टम को मजबूत कर रहा है, आपको करीब और कुछ नहीं तो 10-15 हजार का टैक्स भी दे रहे होंगे वो। तो ये जब सब चीजें दी जा रही हैं, आपको टैक्स मिल रहा है, आपका इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रोजगार मिल रहा है, देश आत्मनिर्भर हो रहा है, तो आपको दर्द किस बात का है? अब ये बात अलग है कि वो अडानी है, अंबानी है, सारे गुजरात से हैं, तो गुजरात तो एंटरप्रेन्योर्स की धरती रहा है, ये नई बात कब हो रही है? आप हिंदुस्तान में दो ही राज्य हैं जिनको हम एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में देखते थे, गुजरात और राजस्थान। भाई गुजराती और मारवाड़ी वो कभी सरकारी नौकरी लेने आए नहीं आज तक आपके पास, वो तो धंधा ही करते रहे, और आपको इस बात का दर्द हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी साहब किस मानसिकता से इस तरह की बातें करते हैं और हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योरशिप को इंसल्ट करते हैं, ये उचित नहीं है एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और अगली बार मेरा राहुल गांधी अगर वो आपका प्रोग्राम देखते हो, तो मेरा निवेदन है कि अगली बार कृषि को क्रिटिसाइज करने से पहले पहले आप अपना डेवलपमेंट मॉडल इस देश के सामने रखिए। आप क्या चाहते हैं इस देश के बारे में? इस देश को अगर 10 या 20 या 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाना है, तो आपका डेवलपमेंट प्लान क्या, जरा ये तो बताइए देश को, फिर हम समझेंगे कि यू हैव ए बेटर प्लान, आप ऐसे अडानी जैसे 500 ग्रुप और खड़ा करना चाहते हैं, उनको आप ये सुविधाएं देंगे, इस तरह से आप उनको प्रोत्साहन देंगे ताकि पूरा देश अडानी अंबानी के कब्जे में ना हो, ऐसे 500 व्यापारी या बिजनेस हाउसेस इस देश में हो। बिल्कुल अच्छा प्लान है, करके तो दिखाइए, बताइए तो सही। चलिए आपको सत्ता नहीं मिली, कम से कम कागज तो बना के दिखा दीजिए कि मेरा बजट प्लान ये होगा, मेरा बिजनेस मॉडल ये होगा, मेरा इकोनॉमिक प्लान ये होगा। कम से कम सोच जो आपकी है उसको कागज पे लिख के जनता के सामने तो रखिए। हो सकता है जनता को इतना पसंद आए कि आपको प्रधानमंत्री का मौका दे दे, लेकिन आप दिखाइए तो सही आपका ब्लूप्रिंट क्या है। क्रिटिसाइज करना इज नॉट एन आंसर टू द इश्यू।